हेलो माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें पर्सन को हेयर फॉल होने लग जाता है, उन्हें जो हेयर है वो पैचेस में निकलने लग जाते हैं। एलोपेशिया हर पर्सन में डिफरेंटली वेरी करता है, कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों में कम हेयर फॉल होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को एलोपेशिया एरियाटा है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि उस पर्सन को बाल्डनेस होने लग जाएगा, उनके जो हेयर है वो पैच में रिमूव होने लग जाएंगे, स्कैल्प में ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल बाल्ड पैचेस बनने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिस पर्सन को एलोपेशिया एरियाटा की प्रॉब्लम है उनका जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको हेयर फॉल ज़्यादातर कोल्ड वेदर में होने लग जाता है। इसके अलावा इन पर्सन की फिंगर नेल्स और टो नेल्स में भी चेंजेस देखे जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इनके जो नेल्स हैं वो रेड होने लग जाते हैं, ब्रिटल होने लग जाते हैं। जिन पर्सन को एलोपेशिया एरियाटा की कंप्लेन रहती है उनकी जो बाल्ड पैचेस होती है स्किन वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, उसमें उन्हें कोई रैश नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को इचिंग हो सकती है। इसके अलावा उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को एलोपेशिया एरियाटा होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो इसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को अटैक करने लग जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एस्थमा। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एलर्जी की कंप्लेन रहती है तो ऐसे लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि बाल्डनेस फैमिली में रन करता है, जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। एलोपेशिया एरियाटा उन लोगों में भी देखा जाता है जिनको एनीमिया की कंप्लेन होती है, जिनके शरीर में खून की कमी होती है। इसके अलावा थायराइड के पेशेंट्स में भी ये कंप्लेन देखी जाती है, कई बार विटिलिगो के पेशेंट्स में भी हेयर फॉल हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप फॉस्फोरस 200 का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप नेट्रम्यूर 200 का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप फ्लोरिक एसिड 200 या फिर आप विनका माइनर 200 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन एलोपेशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।